हमारी पेमेंट 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 हमारी मैं एजाज अजीज शाह कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन फ्लड कंट्रोल से वाबस्ता हूँ। चेयरमैन की हैसियत से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। हमारा मसला है, हमारे एक मसला नहीं है, हजारों मसले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा ये मसला है कि हमारी पेमेंट वागुजार नहीं हो रही है। हमने 2018 जून में काम किया था फ्लड रेस्टोरेशन, हमने बखूबी वो मतलब ठीक किया, अच्छे से मतलब सारा कुछ घर से पैसा निकाल के हमने गवर्नमेंट के कामों में लगा दिया, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट कस से मस नहीं हो रही है। हमारी फाइल कंप्लीट है डीसी ऑफिस में, ये एसडीआरएफ पेमेंट है, इसमें कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। हमें सुनने में आया है इस 31 मार्च में 10 से 12 करोड़ रुपया डीसी ऑफिस से लैप्स हुए हैं। ये शर्म की बात है, जबकि हमारी पेमेंट टेबल पे है, हर एक कागज़ कंप्लीट है, हर एक चीज़ है उसमें। इसमें डीसी ऑफिस ने ये निकाला था कि इसमें फिज़िकल वेरिफिकेशन कीजिए, हमने एक बार नहीं दो बार हमारी फिज़िकल वेरिफिकेशन हुई है, लेकिन गवर्नमेंट एलजी सरकार डीसी ऑफिस में जितने भी मतलब एग्जीक्यूटिव हैं टस से मस नहीं हो रहे, हमारे जुदे घिस गए हैं। सर, आपकी वसादत से हम एलजी सरकार से, कमिश्नर सेक्रेटरी से, हर एक जितना भी जो भी अहदेदार इसमें है, बराई करम आपकी वसादत से हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट वागुजार हो जाए। कितनी पेमेंट होगी? करीब करीब नहीं, वो 2,24,00,000 हमारे एक ही एक ही एक ही ठेकेदार उसमें मुलव्वस नहीं है। कितने ठेकेदार उसमें मुलव्वस है सर? ये 2018 से सर पड़ी हुई है डीसी ऑफिस में हमारी पेमेंट। और सर दूसरी बात है, 2 साल पहले हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने एक टेंडर नोट फ्लोट की थी जी, उसमें पेमेंट अवेलेबल लिखा था, लेकिन आज तक हम वो स्कीम थी सर AIVP, वो कन्वर्ट हुई है PKMSY में सर, लेकिन वो पेमेंट भी हमें आज तक रिलीज नहीं हो रही है। हरवन सरवन में हमने काम किया, विंटर्स में हमने वो काम किए हैं, डीसी साहब 4 बार आए वहाँ पे, हमें अप्रिसिएशन दी, लेकिन हमारी पेमेंट आज तक वागुजार नहीं हो रही है। ईद फेस्टिवल था हमारा बड़ा दिन, ये होता है साल में एक ही फेस्टिवल ऐसा हमारा होता है, रोज़े के बाद ईद उल फितर आती है। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी पेमेंट इसमें वागुजार हो जाएगी, लेकिन हम मतलब इसमें मतलब कुछ नहीं हमें मिला है, कुछ नहीं। हमारी फैमिलीज अभी तरस रही है, हमारे बच्चे तरस रहे हैं। हम मोतबाना अपील कर रहे हैं आपकी वसादत से, एलजी सरकार से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, डीसी साहब से, ये इस मसले में हमारी मदद करें, हमारी पेमेंट वागुजार करें।